राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही शाम के 5 बजे। मैंने शाम का गाय का दूध निकाल दिया है और मैं आज आपको दिखाती हूँ जो मेरे घर में एक नया फूल खिला था, जो मैंने कुछ महीने पहले उसकी कटिंग लगाई थी और वो मैंने गेट के बाहर लगाया है। तो मैं पहले आपको वाला फूल दिखाती हूँ, तब करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत फूलों के साथ। चलते हैं गेट के बाहर, मैं दिखाती हूँ आपको अपना प्यारा सा फूल खिला है गार्ड मेरे गेट के बाहर। ये देखिए हल्का येलो कलर है ये, कि मैंने ऐसी कटिंग लगाई थी और ये खिल चुका है अब। और आज मेरे पति देव मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, देखते कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग्स में। और मेरे पति देव अभी काम पे ही लगे हुए हैं क्योंकि आज था संडे, तो संडे को ये आज यहाँ पे पूरी सफाई कर दी है, जो हमने जहाँ पे पक्का इधर हमने पक्का किया था और इधर थोड़ा सा कच्चा है, तो यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ बोएंगे। देखते हैं मक्की बोए शायद, और ये लगे अभी। चलो भाई, तुम मुझे घुमाने भी जा रहे थे आज, उठो चलो। चलते हैं, चलो फिर। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ये देखो कैसे बिजी पर्सन है, इनको चैन ही नहीं है, जब देखो काम काम काम। वैसे भी मैं भी 2 बजे के बाद ही फ्री हुई हूँ काम करके। तो हस्बैंड जी ने निकाल दी है कार, यानी कि वैगनार। तो चल दिए हम घूमने, अपने गांव की गलियों से निकल रहे हैं हम। ये मेरे देवर का घर है और यहाँ पे बन रहा है उनका हॉस्टल। आगे अभी चल रहा है इसमें प्लास्टर। एक नन्हे मेहमान से मिलाने के लिए, जो हमारी आगे जाके बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको मिलाऊंगी अपने नन्हे मेहमान से। आज का ब्लॉग पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है, गाड़ी निकालने में दिक्कत हो रही है, तो निकल गई। हमारे घर आया एक नन्हा मेहमान। अभी हम चल रहे हैं अपने गांव की गलियों में। आगे आने वाला है जंगल। अब हम पहुंच गए। अब हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर चलेंगे आगे। दोस्तों, मुझे मेरे हस्बैंड घुमाने नहीं लाए हैं, मैं आई हूँ घास काटने के लिए। और आज घास जाएगा हमारी कार में, पर नन्ना मेहमान मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो मुझे दिखाने लाए हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हस्बैंड जी पीछे से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही थी मेरी बरसिन, जो मैं काटूंगी। ये है मेरी द्रांती और वहाँ पे बैठी है हमारी सासू माँ। और मैं सासू माँ के लाई हूँ आज होममेड आइसक्रीम, जो मेरे बेटे ने बनाई थी। हाँ, आज हम अपनी मम्मी अपनी सास जी के लिए आइसक्रीम लाए, और ये सुनीता जी के लिए हम अंडे लाए हैं। भाई मुझे भी देने थे, इसलिए मैं लेके आया। बनाते तो आज आज खा लो, ज्यादा नहीं लाई साथी है एक कप में, क्योंकि इन्होंने मुझे एडवांस पैसे दे रखे थे, तो इनको मुझे जरूरी था देना। नहीं पैसे के फ्री के नहीं है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आज नमस्ते। आज मुझे लग रहा छोटा बड़ा बेटा भी आ गया। अच्छा भतीजा, अच्छा। तो मैं काटती हूँ यहाँ पे से बरसीन। तो आज कार लेके आए हम, तो आज मैं छोटा छोटा घास ले जाऊंगी, कार में ज़्यादा घास चले जाएगा। तो आज मैंने काटनी है पूरी बरसीन यहाँ पर से, फिर देखती हूँ, फिर जई भी काटूँ थोड़ा, जितना घास जाए। पूरे बंदर ही बंदर हैं, तभी हम यहाँ पे कुछ बो ही नहीं पाते हैं।
ये देखो, और ये खाने, ओ माय गॉड, इतने डेंजर बंदर है ये, हमें चाही काटनी है। अरे मुझे घास काटने दोगे आज? ये देखो कैसे कूद रहे पेड़ों में। दोस्तों ये जेई में आ चुकी थी मेरी सारा बीज, तो बंदर इन्हीं को खाने के लिए आ रहे हैं आज, ये बीज को खाएंगे जेई के। वो भी क्या खाए, उन्हें भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो अब जेई में बीज आ चुका है तो इसको खाने के लिए पहुंच गई खेत में। देखो कैसे खा रहे हैं। यहाँ पर बोया था हमने पीली सरसों, 1000 रुपये का बीज लेके बोया था, लेकिन 1000 दाने भी नहीं हुए क्योंकि इस सरसों को पानी नहीं मिला। और आपको पता है कि हमारी ज़मीनें उखड़ी, यानी कि बिना बारिश के, ये जब तक बारिश नहीं होगी तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, तो जब इसको बोया था तब बारिश नहीं हुई थी तो ये हुआ ही नहीं, और जो हुआ भी है उसमें दाने ही नहीं है। अब इसको भी मुझे घास के लिए ले जाना पड़ेगा उखाड़ के, क्योंकि दाना ही नहीं है इसके अंदर। तो अब घास भी कट चुका है, ये मेरा घास का फंचा, हम इसे फंचा बोलते हैं, मैंने बांध दिया है इसको। और थोड़ी सी मैंने जई भी काटी है एक पुला, क्योंकि कार में ले जाना है तो जितने ज़्यादा ले जा सकूं उतना काट ही दिया है। और पसीना देखिए, पसीना भी आ गया, वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, ऐसे पसीना जाता है काम करके, ऐसे ही पसीना निकल जाता है। तो अब मैं चलूँगी नन्हे मेहमान को देखने, तो आप भी चलिए। तो दोस्तों नन्ना मुन्ना मेहमान है हमारा, पुरानी गौशाला के अंदर, जो मेरी पहले गौशाला थी, नए घर बनने से पहले पुराने की गौशाला। तो ये यहाँ है नन्ना मुन्ना। अभी मुझे लाइट खोलनी पड़ेगी, पहले लाइट तो है नहीं इधर, पर मुझे मोबाइल से देखना पड़ेगा। देखिए ये है नन्ना मुन्ना ट्रैक्टर, यानी कि बड़ा ट्रैक्टर का छोटा बच्चा ट्रैक्टर। तो गाइस थोड़ा सा मैंने प्रैंक कर दिया है, एक्चुअली में लाए हम छोटा ट्रैक्टर खेत में हल लगाने के लिए, जो कि हमारे खेतों को, खेतों में हल लगाएगा। अब हमें गिनती से नहीं करना पड़ेगा, अब इससे हल लगाएंगे हम। तो ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, और मेरी जिया जी ने काफ़ी मदद करी है मुझे ये दिलाने पे, नहीं तो हमें मिल नहीं रहा था। तो मेरी जिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मुझे ट्रैक्टर मिल गया है, जो कि अब आगे जाके हमें खेती करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इससे हम हल लगाएंगे। अभी इसके शायद कुछ पार्ट्स जुड़े नहीं हैं, वो शायद हस्बैंड जी ने कहीं रखे हुए, तो ये हमने रखा भी पुराने घर पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी खेती है तो हम यहाँ पर भी इससे हल लगाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रैंक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बन रहा है मेरी सासू माँ का धनिया, थोड़ा सा धनिया था उनका भी हरा खाने के लिए, पर दाने निकल गए थोड़ा, तो सब करके बना रहे हैं। और अब हमारी देवरानी और देवर भी पहुँच चुके हैं, और इनके लिए चाय भी बना दी मेरी सासू माँ ने, क्योंकि ये दोनों फीकी चाय पीते हैं, इनके लिए चाय आ गई है। चार रोटी की भूख है, दो ही खाओ। नमकीन भी आई है हमारे, और हमारे अभी आ रही है मीठी चाय, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शाम को यहाँ पे आंटी जी भी बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे पति देव इन्हें आयुर्वेदिक इलाज बता रहे हैं, डॉक्टर बने हुए आज, छुट्टी थी संडे की। और माले भी आ गए मीठी चाय, और सासू माँ ने बनाई है दोनों बहुओं के लिए चाय आज। अबे पानी कब डालेगी, मम्मी पीती नहीं है, बना दिया उन्होंने, दो हमारी चाय भी दो। तो हमारे लिए फिर अब चौमिन भी आ गया, रात हो चुकी है और हम घास लेके अभी तक घर नहीं गए, और सुनीता जी ने हमारे लिए मंगाई है चौमिन, चाय के बाद हम खा रहे हैं इतनी सारी। तो हमारा डिनर तो यही हो जाएगा आज, हम सब खाना नहीं बनाएंगे। देखो रात हो चुकी है और हम घर नहीं गए, क्योंकि ये भी तो हमारा ही घर है।
और देखिए दोस्तों रात के 8 बजे, अब तो अंधेरे में कुछ दिख रहा ही नहीं। मेरा घास लाइट दिखाना, फ्लैश दिखाना जरा फोन की, एक घास हो गया लोड। आज रात के 8 बजे जा रहे हैं हम घर मोबाइल की फ्लैश लाइट से। अब ये है हमारा जंगल, ये देखिए रात को ऐसा डेंजर रहता है। मेरे घर का आगे का व्यू, ऊपर है घर, जंगल में कुछ दिख भी नहीं रहा है, पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहे अंधेरे में। तो